नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गावा। इंडेक्स व्यू 17 अगस्त 2022, आज है 16 अगस्त 7:55। चलो इंडेक्स व्यू तो बताता हूं, इतना बता देता हूं कि संडे को मेरा कलकत्ता में वर्कशॉप है इंट्राडे ट्रेडिंग पर, और मेरे पास सिर्फ 2 सीट है। अगर किसी को करना है तो इमीडिएटली मुझे फ़ोन कीजिए 9322109072। इंट्राडे ट्रेडिंग वर्कशॉप 3 महीने का प्रोग्राम है, शुरू होता है कलकत्ता से, और सिर्फ है मेरे पास 2 सीट, ध्यान दीजिए। इंडेक्स अब देखते हैं, यहाँ पर जो मूव मिला है ये रहा बैंक निफ्टी। निफ्टी का जो चार्ट है, गैप अप खुला, ट्रेडिंग स्लोअर हुआ, फिर आखिर में ऊपर ही बंद हुआ। तो निफ्टी में तो स्ट्रेंथ है, गैप हुआ है, अब ट्रेड कर रहा है करीब 17,828 के आसपास। लगता है 18,000 पास में ही है, लगता है 18 की कोशिश कर रहा है 18,000, और शायद वहाँ पर चला भी जाएगा। जब तक ये 17,700 बरकरार है तब तक अपनी ऑन है निफ्टी में, और ज़्यादातर स्टॉक को जब इंटरनल देखता हूँ तो मुझे लगता है निफ्टी में अपमूव मिलना चाहिए। निफ्टी बैंक का क्या हाल है? निफ्टी बैंक एक गैप अप खुला, फिर लोअर लेवल्स में आया, लेकिन यहाँ पर गैप अप और बाद में क्लोज हुआ है, ओपन से नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन कल के मुकाबले परसों के मुकाबले एक ग्रीन में मिला है। तो अब तक ट्रेंड इंटैक्ट है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये जो गैप मिला ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, तो मुझे लगता है अपमूव मिलना चाहिए। जब ये करीब बैंक निफ्टी 39,300 पार कर लेगा तो फिर एक अपमूव मिल सकता है, फिर 39,500 भी पॉसिबल है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरा रुझान ऑन द अपसाइड है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस फिलहाल निफ्टी या बैंक निफ्टी में नज़र नहीं आती। मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स। ट्रेडिंग तो उसी को कहते हैं, ट्रेडिंग में सिर्फ 2 बातें होती है, या तो पैसा जेब में आता है या बाहर जाता है, वही सीखना ज़रूरी है। मार्क या पॉइंट्स एंड ट्रेड या पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है।